हेलो गाइस, वेलकम टू द जिमडे न्यूज। तो गाइस, आज हम बात करेंगे गार्डियन द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 के दो खतरनाक अपडेट के बारे में। जब हमने आयशा को एडम वॉरलॉक के साथ देखा था पोस्ट क्रेडिट सीन में, तो हमारे मन में यही सवाल था कि कब रिलीज होगी गार्डियन द गैलेक्सी वॉल्यूम 3। फाइनली आज का जो अपडेट है वो आपके लिए सबसे बेकार है। तो पहला जो अपडेट है वो है डेव बटिस्टा के लिए। तो डेव बटिस्टा ने मार्वल स्टूडियो को छोड़ दिया है फिलहाल 3 साल के लिए, और उन्होंने ज्वाइन करा है WWE दोबारा से, जो कि वो फाइटिंग करेंगे और फिर मार्वल स्टूडियो में 2021 को वो दोबारा रिटर्न होंगे और फिर मूवी पे काम करेंगे। तो फाइनली कहने का मतलब मेरा ये है कि गार्डियन द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 2 साल के लिए डिले हो गई है, और मार्वल स्टूडियो ने ऑफिशियली जो अनाउंस करा है कि इस मूवी को 2021 में फरवरी से प्रोडक्शन में स्टार्ट करा जाएगा। यानी कि 1 साल पूरा मान लो प्रोडक्शन, प्री प्रोडक्शन, फिर स्टार्ट शूटिंग, देन एडिटिंग। यानी कि आपको गार्डियन द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 2022 को देखने को मिलेगी मई के महीने में। तो फाइनली गाइस, ये था वो अपडेट। तो डेव बटिस्टा अब मार्वल स्टूडियो में नहीं है 2 साल के लिए, और गार्डियन द गैलेक्सी 2 साल के लिए डिले हो गई है। तो कैसा लगा अपडेट? अगर आप ये वीडियो YouTube पे देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो बेल आइकन के साथ। अगर आप Facebook पे देख रहे हो तो पेज को लाइक करो, और आपको ये वीडियो रियल में पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर करो, और इलेक्ट्रा के हाथ मारो या पैर मारो, कुछ भी करो। बाय बाय, जा रहा हूँ।